तमाम ही तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्जे में हम सब की जान है। मेरे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके इल्म में और रूहानियत में इजाफा करूंगा। तो आइए सवाल पढ़ लेते हैं। इंडिया से एक और सवाल है मेरे पास, ये मेरी बहन है रूहानी खालदा मूसा। खालदा मूसा का सवाल ये है कि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ और मुझे कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मसले मसाइल इस कदर हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं आए दिन किसी ना किसी आफत में घिरी रहती हूँ। और ये मज़ीद कहती हैं कि इसके अलावा मेरे शोहर की रोज़ी के मसाइल भी बहुत हैं। वो काम पर जाते हैं लेकिन उनको अच्छी टिप नहीं मिलती क्योंकि वो एक वेटर हैं और आए दिन उनको कहीं ना कहीं से शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनको ऐसा लगता है कि बंदिश के मामलात हैं और इसका मैं इनको हल बताऊं। अगर रोज़ी के हवाले से कोई भी मसले मसाइल पेश आते हैं तो उसका बेहतरीन सा हल मेरे नबी आखिरज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का कम बेश मफहूम है, जो शख्स रात को सोने से कबल एक मरतबा सूरह वाक़िए की तलावत करता है तो उसको कभी भी फाका नहीं आ सकता। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सूरह वाक़िए की क्या बरकतें हैं। तो सूरह वाक़िए मगरिब की नमाज के बाद फौरन पढ़ें, एक मरतबा घर में ये तलावत ज़रूर करें, इंशाल्लाह रिस्क के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाएंगे। और रही बात बार बार बीमार होने की, अगर बार बार बीमारियाँ तंग करती हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको शैतान का मसला हो सकता है नज़र भी बार बार लगती हो। तो किसी भी किस्म के मसले के लिए, चाहे वो शैतान का हो, चाहे वो नज़र बद हो या फिर अल्लाह ताला की आजमाइश हो, आपने करना यह है कि एक लौकी लेनी है, लौकी के ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। कच्ची लौकी के ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, उसको छोटे छोटे पीस करके उसको कोई भी हंडिया के अंदर बना लें, चाहे वो आप कोई भी सब्ज़ी उसके साथ तैयार करें और फिर उस लौकी को पूरा घर तनावल करें, इंशाल्लाह उस लौकी के ज़रिए तमाम तर बीमारियां दूर हो जाएंगी। और अगर इसके अलावा शैतानी बीमारी अगर आपको लाहक है तो उसके लिए उस लौकी के ऊपर सूरह फातिहा के साथ साथ सूरह फलक सूरह नाज भी 7-7 मरतबा दम कर लिएगा, इंशाल्लाह जितने भी शैतान होंगे जिस्म के अंदर वो आपसे दूर भी हो जाएंगे और आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों ताकतें नसीब होंगी। आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़कर एक बोतल पानी पर दम कर रोज़ाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जब जब वो आप लोग पानी पियेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत होगी। अमल करने से पहले मुझे अपना रूहानी भाई या बेटा कंसीडर ज़रूर कर लीजिएगा। किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हों या इस तरीके से वीडियो में जवाब चाहते हों तो अपना सवाल लिखकर या अपना इस्तिखारा लिखकर मेरे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ही उसमें जवाब मिल जाएगा। दुआओं में नाम शामिल कराने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम मुल्क और शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपका नाम भी दुआओं में शामिल किया जाएगा। दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा, आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।